एज क्वेश्चन है एक दो हम सॉल्व करके देखते हैं कि मतलब क्या डिफ़िकल्टी आती है कैंडिडेट्स को और कहाँ वो मिस्टेक करते हैं अ मैनज एज इज थ्री टाइम्स हिज सन्स इन फिफ्टीन ईयर्स इट विल भी डबल दैट ऑफ हिज सन हाउ ओल्ड विल हिज सन बी फोर ईयर्स फ्रॉम नाउ इट्स रिटन के एक बंदे की उम्र है अपने बेटे से तीन गुना है अ मैं सो आई से ओके लेट द प्रेजेंट एज प्रेजेंट जो एग्जिटिंग एजिज है ऑफ मैन बी एम और सन बी एस ठीक है आई सपोज जो प्रेजेंट एज है आज की जो उम्र है एग्जिस्टिंग एज जो है सपोज मैन इज एम ईयर्स ओल्ड एंड सन इज़ एस ईयर्स ओल्ड सो एज पर द स्टेटमेंट मैनस एज इज़ थ्री टाइम्स हिज सन्स इसका मतलब ये है कि जो प्रेजेंट एज है अभी जो उम्र है बंदे की उम्र है लेट्स जो बंदे की उम्र है एम इट इज़ इक्वल टू थ्री टाइम्स द एज ऑफ हिज सन सो दिस इज़ योर इक्वेशन नंबर वन एज़ पर द स्टेटमेंट नाओ इन फिफ्टीन ईयर्स इट विल भी डबल दैट ऑफिसन आपको पता है ना एज की रेशो कम होती जाती है टाइम के साथ साथ अगर बंदा अगर तीन गुना है अपने बेटे से तो जैसे 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 टाइम गुजरता जाएगा ये जो थ्री है ये रेशो कम होती जाएगी वॉट इज थ्री दिस इज एम ओवर एस रेशो ऑफ मैनज एज एंड सनस एज नाओ जो 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 ट्रिक है इसमें जो गलती करवाता है जो थोड़ा सा अनकम्फर्टेबल करता है बच्चों को वो सिंपली ये है कि लाइक इफ इट इज़ रिटन इन फिफ्टीन ईयर्स और जस्ट टेल मी इन फिफ्टीन ईयर्स ठीक है पंद्रह सालों के बाद अगर बंदे की प्रेजेंट एज इफ द प्रेजेंट एज ऑफ मैन इज एम देन इन फिफ्टीन ईयर्स मैनस एज विल बी मैंस एज क्या होगी एम प्लस फिफ्टीन मतलब वॉट एवर इज हिज प्रेजेंट एज उसमें फिफ्टीन एड हो जाएगा सिंपली सिमिलरली सन्स एज विल बी एस प्लस फिफ्टीन सिंपली मतलब अगर प्रेजेंट एज उसकी एम ए और बेटे की एस थी तो दोनों में सिर्फ 15 ऐड हो जाएगा ठीक है नाउ ही सिंग इन 15 ईयर्स मैनस एज विल बी डबल दैट ऑफ ए सन तो 15 सालों के बाद अगर बंदे की उम्र एम प्लस फिफ्टीन है सो एम प्लस फिफ्टीन एज पर द स्टेटमेंट ऑफ द क्वेश्चन जो बंदे की उम्र है विच विल बी एम प्लस फिफ्टीन इट विल बी डबल दैट ऑफ ए सन तो डबल दैट ऑफ इज सन बेटे की उम्र पंद्रह साल बाद एस प्लस फिफ्टीन होगी और बंदे की उम्र पंद्रह साल बाद एम प्लस फिफ्टीन होगी और जो बंदे की उम्र होगी वो बेटे से डबल होगी वो टू इधर लगाना है या इधर लगाना है दैट ऑल्सो कंफ्यूज फ्यू कैंडिडेट्स ठीक है क्लियर लिखा हुआ son. okay? है कि मैंस एज विल बी डबल दैट ऑफ इज सन सन एज उसका डबल ट्वाइस विच इज इक्वल टू एज ठीक हो गया नाउ दैट्स योर इक्वेशन नंबर टू ठीक है नाउ सॉल्व दोज इक्वेशन लाइक एम इज इक्वल टू थ्री एस सो लेट्स पुट क्विकली क्विकलीट इस पुट एम इज इक्वल टू थ्री एस इन इक्वेशन नंबर टू Uh, जैसे तरीका आपको साइमोटेनियसी क्वेश्चन का दिखाया था तो इस एम के बजाय आई एम पुटिंग थ्री एस थ्री एस प्लस फिफ्टीन इज इक्वल टू टू एस प्लस थर्टी सो थ्री एस माइनस टू एस इज़ एस फिफ्टीन माइन थर्टी माइनस फिफ्टीन इज़ फिफ्टीन सो इसका मतलब है एस इज इक्वल टू फिफ्टीन का मतलब ये है कि जो प्रेजेंट एज है बेटे की सन्स प्रेजेंट एज इट इज़ इक्वल टू फिफ्टीन ईयर्स हाउ ओल्ड विल बी द सन फोर ईयर्स फ्रॉम नाउ नाव हीज़ फिर वही बात है जो मैं भी कह रहा था कि क्वेश्चन को गौर से पढ़ो एस निकाल लिया आप एम भी निकाल लोगे आप समझो क्या मे बी क्वेश्चन मैंने कर लिया नाओ हीज़ आस्किंग हाउ ओल्ड विल बी दसन फोर ईयर्स फ्राम नाव अच्छा फोर ईयर्स फ्राम नाव फ्राम नाव कैन बी यूज इन पास्ट एज़ वेल एज इन फ्यूचर मतलब अगर वो अगो कहता फोर ईयर्स अगो तो हम समझ जाते हैं पास्ट की बात कर रहे हैं लेकिन यहाँ फ्राम नाव लिखा हुआ है और वहाँ विल लिखा हुआ है दिस विल हाउ ओल्ड विल बी दसन विल इज़ टेलिंग यू हिज आस्किंग अबाउट फ्यूचर तो चार साल के बाद Four years from now, सन विल be 15 plus फोर which इज इक्वल टू 19 years old. Obviously, फिफ्टीन plus फोर which इज इक्वल टू 19 years. ठीक हो गया? चार साल बाद बेटा उन्नीस साल का हो जाएगा ठीक है दिस इज दॉल्यूशन टू दैट क्वेश्चन सो इट वॉज नैट डिफिकल्ट बट आई फील के कैंडिडेट्स को चार आ रहे होते हैं while दे आर प्रैक्टिसिंग फ्रॉम द बुक वो इस तरह का क्वेश्चन लेकर आ रहे होते हैं दे आर फीलिंग सम डिफिकल्टी वो मैंने आपके क्लियर कर दिए Let's सॉल्व another question क्वेश्चन well वेल ताकि बिल्कुल क्लियर हो जाए लेट्स यू वन मोर प्रॉब्लम अ फादर सेट टू हिस्सन आई वॉज एट एज ऐज यू आर एट प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ योर बर्थ रीड इट अगेन आई वॉज एज ओल्ड एज यू आर एट द प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ योर बर्थ बाप अपने बेटे को कहते हैं कि तुम्हारी पैदाइश के वक्त मैं उतना था जितने के तुम अब हो रीड इट अगेन आई वॉज एज एज यू आर एट द प्रेजेंट जब जो आप प्रेजेंट के ऊपर मतलब व्हाट्स योर एज एट द प्रेजेंट आई वॉज एज ओल्ड एज यू आर ठीक है एट द टाइम ऑफ योर बर्थ If father's age is 38 years now, son's age 5 years back was. What was the son's age 5 years back? Bab umar abhi 38 years hai, hai? Uh, Present age of. Uh, let's suppose. Okay, what's the present age of father? Present age of father is given to us is equal to 38 years, hai? Father is 38 years old now, presently, currently, hai? अभी ही इज थर्टी एट ईयर्स ओल्ड लेट द प्रेजेंट एज ऑफ सन बी एक्स ठीक है सपोज कि अभी जो प्रेजेंट एज एग्जिस्टिंग एज नाउ अ पेरेंटली सीन्स वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन बिकॉज आईव सीन अ लॉट ऑफ कैंडिडेट्स हैव प्रॉब्लम मे भी कुछ लोगों को बहुत आसान लग रहा हो लेकिन आई हैव सीन इसलिए मैंने ये टच किया ताकि हम देख लें इस तरह का वर्ड प्रॉब्लम जो स्टेटमेंट आपके लिखे उसको कैसे कन्वर्ट आपने इसके ऊपर करें दैट अ ट्रिक ऑब्वियसली ओके एट द प्रेट एज ऑफ सन बी एक्स की जो अभी उम्र है टाइम ऑफ बर्थ ठीक है एट द टाइम ऑफ बर्थ जब बेटा पैदा हुआ था ठीक है तो बाप बेटे जीतना था वो उसको यह कहता है कि यू आर एट द प्रेजेंट जो अभी आप हो मींस यू आर एक्स एट द प्रेजेंट सो आई वॉज एज ओल्ड एज यू आर एट द टाइम ऑफ यूर बर्थ जस्ट टेल मी एट द टाइम ऑफ कितने साल पहले बेटे की पैदाइश हुई ऑब्वियसली अगर बेटा आज x साल का है तो एट द साइन टाइम ऑफ सन्स बर्थ सो आई कैन x ईयर्स अगो ऐसा ही है ना बेटा अगर आज x साल का है मतलब जितने भी साल का है x साल का अगर बेटा आज तो बेटे की बर्थ पैदाइश के वक्त इसका, uh, इसका मतलब है सन्स बर्थ वॉज x ईयर्स अगो इसका मतलब है फादर्स एज एक्स ईयर्स अगो इज़ थर्टी एट माइनस एक्स ये बात समझ आ रही है क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है फादर्स नाउ लेट्स सी फादर्स एज करंटली प्रेजेंटली फादर इज थर्टी एट ईयर्स ओल्ड अभी बट एट द टाइम ऑफ सन्स बर्थ बेटे की पैदाइश के वक्त बेटे की पैदाइश के, के वक्त मतलब बेटा आज एक्स साल का तो जब बेटा पैदा हुआ था वो एक्स साल पहले था तो बेटे की पैदाइश के वक्त फादर वॉज थर्टी एट माइनस एक्स एंड फादर सेट टू हिस्सन तेरी पैदाइश के वक्त मतलब एक्स एक्स ईयर फादर सेट कि आई वॉज एज ओल्ड एज यू आर एट द प्रेन्ट एंड सन इज एट द प्रेन्ट एक्स ईयर की पैदाइश के वक्त फादर्स एज वॉज थर्टी एट माइनस एक्स इक्वल टू द प्रेजेंट एज ऑफ दन दिस वॉज द चैलेंजिंग थिंग आपने ये इक्वेशन बनानी थी सो एक्स इज इक्वल टू नाइनटीन इसका मतलब है बेटा उन्नीस साल का है और बाप अट्ठतीस साल का है फादर इज थर्टी एट ईयर ओल्ड एंड सन इज एक्स ईयर ओल्ड तो सॉरी सन इज़ नाइनटीन ईयर्स ओल्ड ठीक है तो लेट्स वेरीफाई कि हमने ठीक क्या गलत किया है ऑब्वियसली हमने ठीक इस तरह ये यहाँ से वेरीफाई मैं करूँगा बेटा उन्नीस साल का है इसका मतलब है उन्नीस साल पहले जब बेटा पैदा हुआ था तो बाप आज जो कि थर्टी एट ईयर्स का है तो उन्नीस साल पहले जब बेटा पैदा हुआ था तो बाप उन्नीस साल का था उस वक्त मतलब फादर इज़ राइट नाउ थर्टी एट सन इज़ नाइनटीन मतलब फादर इज़ ट्वाइस एज ओल्ड एज सन सो वेन एट द टाइम ऑफ सनज़ बर्थ नाइनटीन ईयर्स अगो फादर वॉज नाइनटीन मीन्स फादर वॉज उतनी एज का जो बेटा है अभी ठीक है ना क्वेश्चन क्या है हाउ वॉज अ सनज एज फाइव ईयर्स वट वॉज अ सनज एज फाइव ईयर्स बैक पाँच साल पहले फोटीन ईयर्स चौदह साल का है ठीक है आंसर लिखना मत भूलना ये टाइम है लेकिन आई एम स्ट्रेसिंग प्रॉपर सही क्वेश्चन ठीक है आई थिंक इट्स इनफ बाकी आप लोग प्रैक्टिस करोगे जे जो किप सी एस जनरल साइंस एबिलिटी है उस बुक और कुछ टॉपिक्स लाइक जोमेट्री आई एव सी एन के पास्ट पेपर्स में इतने अगर ज़्यादा उसके क्वेश्चन नहीं है बट अगेन दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इन लिमिटेड लेक्चर्स के अंदर हम कवर नहीं कर सके बट आई आई हैव ट्राइड माई बेस्ट टू गिव यू द बेस्ट पॉसिबल मटीरियल जो आपको हेल्प करें जिस गो थ्रू दट डोंट इग्नोर दैट और देर आर अर अट ऑफ टॉपिक्स एज जो कि इन रेगुलर लेक्चर्स में कवर नहीं हुए जस्ट बिकॉज दे आर नॉट इन द पेपर्स बट यू हैव टू कवर ऑफ क्वेश्चन फ्राम देयर जस्ट लेट मी नो इफ देर इज एनी थिंग अन क्लियर दिस इज़ ऑल फॉर जनरल अबिलिटी सेक्शन ठीक है आईव ट्राइड माई बेस्ट कि मैं जितना मुश्किल कॉन्सेप्ट है उनको मैं सिम्प्लीफाई जितना कर सकता था आई एव ट्राइड माई बेस्ट ठीक है यू माई टाइव नोटिस नोटिस वन थिंग हमने फार्मूला और यहाँ अप्रोच नहीं रखी खासतौर पर जो चैप्टर uh, से टॉपिक्स है लाइक फ्रैक्शन रेशियोज रेस प्रोपोर्शन और मिसिलियस वर्ड प्रॉब्लम्स जो टैंक पाइप प्रॉब्लम्स है या जिस तरह को टेलरिंग जॉब का प्रॉब्लम थोड़ी देर पहले हमने की है वो जब हम समझ रहे थे जिस तरह के टॉपिक्स मैंने अप्रोच वो रखी थी कि एज एफ अ लेमैन अ नॉन टेक्निकल पर्सन फॉर एग्जाम्पल लाइक जो बाप की जायदाद डिस्ट्रीब्यूशन वाला चीज़ हम कर रहे थे कि इवन इफ अ नॉन टेक्निकल पर्सन अ पर्सन हु हैज़ नो अवेयरनेस अबाउट मैथमेटिक्स और एनी सॉर्ट ऑफ एजुकेशन या लेकिन अगर उसको दुनिया का एक्सपोजर है इवन ही विल बी एबल टू सॉल्व द प्रॉब्लम कि रियल प्रैक्टिकल सिचुएशन में अगर वो प्रॉब्लम अराइज हो तो हमने उसको कैसे सॉल्व करना है सो आई ट्राइड माई बेस्ट कि उस तरह की अप्रोच से इन स्टिल एज मच कॉन्सेप्ट इन योर माइंड एज पॉसिबल लेकिन स्टिल वही बात है आपने बुक को और इ, इन लेक्चर्स को कॉम्प्लीमेंट करना है साथ साथ आपने प्रैक्टिस करनी है यू साथ साथ यू हैव टू रिमेन इन टच यू हैव टू कीप ऑन आस्किंग इफ़ देर इज एनी प्रॉब्लम ठीक है आई विल बी देयर टू हेल्प यू ऑल द टाइम गॉड ब्लेस यू बेस्ट प्रेयर आई गिव टू पीपल ये कि अल्लाह ताला दुनिया और आखिरत की आसानियात फरमाए नेमतों में कभी कमी ना हो अल्लाह करे और वॉट एवर यू डिज़ायर फ़ॉर व्हाट एवर मतलब यू लव वाट एवर यू डिज़ायर फॉर वॉट एवर इज़ योर फेवरेट उसी चीज़ को ही अल्लाह हक में बेहतर करके आपके पेश करे ठीक है दिस एंड अबिलिटी सेक्शन बट आई नो वन थिंग नॉट ऑल द टॉपिक्स आर कवर्ड बट ऑल द मेन टॉपिक्स जो पास्ट पेपर्स का एक एक क्वेश्चन करके हमने प्रूव किया कि जो कुछ हमने पढ़ा इट वॉज डायरेक्टेड फोकस एंड फोकसड टू द पॉइंट ठीक है और फॉर श्योर पाँच साल के पेपर्स करने का मतलब है एज़ इट इज़ जो छठे साल मतलब इन श्री ट्वेंटी वन में आना एवरी थिंग ऑलमोस्ट एवरीथिंग वी हैव कवर्ड ठीक है सो आई होप जन आएगा यू विल बीन अ पोजिशन सॉल्व दैट क्वेश्चन ठीक है इफ़ यू विल डू प्रॉपर प्रैक्टिस नेक्स्ट टाइम हम साइंस सेक्शन अपना शुरू करेंगे और आई लेट यू नो किस तरह हमने डिस्ट्रीब्यूट करना है चीज़ों को वी आर जस्ट लेफ्ट लिमिटेड लेक्चर्स जिसके अंदर हमने फिजिकल साइंसिस इन्वामेंटल साइंस आई टी सेक्शन सम बायलॉजिकल एंड फूड सैंसेज ये चीज़ें हमने कवर करनी है इनशाला वी को नाट बी कवरिंग विद द सेम प्लेस गॉड ब्लेस यू ऑल एंड गुड लक